जेएक्स न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। कथाकार कामता प्रसाद शरण ने छत्तीसगढ़ में भगवान श्री राम के जीवन चरित को किया प्रस्तुत। चारों तरफ जय श्री राम के जयकारों से गूंज उठा। ग्राम पंचायत लोरसी में मां रक्तमोली मंदिर में कामता प्रसाद शरण के हास्य प्रहसंग हजारों श्रद्धालुओं को घंटों बांधो रखा। ग्राम पंचायत लोहरसी में मां रक्तमोली सेवा कल्याण समिति द्वारा श्री नारायण तहसील मुख्यालय से 3 किलोमीटर दूर ग्राम लोहरसी में त्रिदिवसीय श्री रामायण का आयोजन किया गया था, जिसमें 18 अप्रैल से प्रारंभ होकर 20 अप्रैल को संपन्न हुआ, जिसमें छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध कथावाचक कामता प्रसाद शरण छत्तीसगढ़ी भाषा में काफी आकर्षक ढंग से भगवान श्री कृष्ण के जीवन चरित्र को प्रस्तुत किया, तो चारों तरफ जय जय श्री राम के जयकारे गूंजने लगे। कामता प्रसाद लगातार 4 घंटे तक भगवान श्री राम के साथ साथ शिव पार्वती विवाह व अनेक कथा को काफी मनमोहक और सरल ढंग से प्रस्तुत किया, तो हजारों लोगों ने जमकर तालियां बजाकर उनका उत्साह वर्धन किया। कथावाचक कामता प्रसाद शरण ने कहा कि छत्तीसगढ़ की पवित्र धरती माता कौशल्या का जन्म स्थल है और भगवान श्री राम ननिहाल है, इसलिए छत्तीसगढ़ में भाषा को बहुत सम्मान दिया जाता है। जैक्स न्यूज छत्तीसगढ़ से ब्यूरो चीफ गौरव रायसागर की खास रिपोर्ट। दरबार में ग्राम लोहरसी में 3 दिवसीय कथा का आयोजन हुआ है और बहुत अच्छा दर्शक मन श्रोता समाज के आगमन है। बहुत अच्छा कथा प्रवचन चलते हैं। कृपा है भगवान के तो माता जी दरबार में कथा के प्रसारण हुए। सोशल मीडिया के माध्यम से आपके साथ बहुत ज्यादा मतलब श्रद्धालु जुड़ते हैं। हाँ, बहुत धन्यवाद है श्रोता मल्ला जो धर्म में रुचि लगाए हैं और भगवत कथा मन लगे हुए और हमेशा मन भगवान के चरण का मन में लगे रहे, यही भाव से कथा श्रवण करते सब श्रोता। इससे पहले और क्या मतलब कौन से भजन वगैरह में देखने को मिलते हैं? हाँ, मैं तो पहले तो कथक चला थे जन्म से और आश्रम से ही हमार रामचरितमानस के यज्ञ से ही हमारे प्रारंभ हुआ और वहीं से कथा प्रारंभ हुआ। तो हमारा 8वीं क्लास पढ़ा थे तभी से कथा प्रारंभ हुई थी और निरंतर चला थी कथा भगवान की कृपा से चलते हुए। औ हे दीदी तो सूर्य थे खाली देश से पता नहीं बाहर हुआ तो नहीं देखा था आधा रात के लिए करो इतनी सूर्य देते हैं बोला खाए चला भी देना है तब कैसे कर रहे पहली पति भोजन दो एक दिन देवे काम तो जान ला दिया का कम खाते थे ध्यान दे नंगा तक कम दे दे अब जाता देवे बचावे करी अब पति जूठा प्रसादी बचाती तो वही महाप्रसादी उमें तेहे रखा पति जूठा प्रसादी महाप्रसादी कैसे और पति जूठा प्रसाद में ही फिर के खाना है पत्नी माल बने पति के भाई देवता पति तोला देवी समझत अपन देवता के बरोबर है तेकर जूठा प्रसाद कैसे अमन मोहन जी के लार मान लटा पा देखा होता जा रहा पति आई कुड़ेरा वाला महाराज तो की दे तो मधवा के थोड़े के हूं बाबा बने पति देवता पति तोला देवी समझे अपन देवता के बरोबर।